मैं आज आपको वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे कुछ जानकारी थैलेसीमिया के बारे में देना चाहता हूँ। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब कि ये बीमारी जो आज एक स्वास्थ्य के मामले में घातक होती जा रही है, यह बीमारी इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब ये बीमारी अपने माता पिता से ही आती है। इसके अंदर जो है कि एक अजीब तरीके का नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये बीमारी अगर माँ और बाप उस बच्चे के थैलेसीमिया माइनर्स होते हैं तो उस बच्चे के अंदर थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें अल्फा और बीटा थैलेसीमिया बनते हैं जिसमें कि दोनों प्रकार के हीमोग्लोबिन की चेंज खराब हो जाती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, वो जल्द ही टूटती रहती है और वो टूटती रहती है, बार बार टूटती रहती है, और उनमें से हीमोग्लोबिन निकलता है जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। वो टूटता है और टूटने के बाद जो उसका आयरन होता है, जो आयरन फॉर्म होता है, वो स्प्लीन में भी अब्जॉर्ब होता है और अपने विभिन्न विभिन्न अंगों में अब्जॉर्ब हो जाता है। जो सेल रेड ब्लड सेल्स मरते हैं वो स्प्लीन के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और वो हार्ट के अंदर जानी शुरू हो जाती है, जिससे कि हार्ट की बीमारी भी हमारे को होती है और अन्य प्रकार के इन्फेक्शन भी होने लग जाते हैं। एक और बड़ी समस्या जो थैलेसीमिया के मरीजों में होती है वो है कि बोन्स का डिफॉर्म होना, इनमें हड्डियों का शेप बदल जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। शेप बदलने से आपके आकार के अंदर भी फर्क पड़ता है। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? इसमें बच्चा जो है वो बिल्कुल पीले रंग का पड़ जाता है, काले रंग का उसको मल आना शुरू हो जाता है, पेशाब में भी जहाँ की हल्का लाल गाढ़ा रंग आना शुरू हो जाता है। तो ये एक इसका एक डायग्नोसिस होता है। और बच्चा बिल्कुल थकासा, बच्चे की ग्रोथ खत्म हो जाती है, बल्कि बढ़ोतरी नहीं होती है। अब हम ये कहेंगे कि इसका इलाज क्या है? इसका कोई भी ऐसा इलाज नहीं है कि हम इसको दवा देके ठीक कर सकें। इसका एक ही इलाज होता है जो कि पहले चलता आ रहा था कि हमको लगातार उस बच्चे को, उस व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है और वो बच्चा या वो व्यक्ति उसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर जिंदा है। पर आज की तारीख में एक जो 80-90% सक्सेसफुल इसका ट्रीटमेंट आया है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें 80-90% तक की इस बीमारी से सफलता पाई जाती है। इसकी रोकथाम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज ये बीमारी हमारे देश के अंदर एक घातक बनती जा रही है, स्वास्थ्य के मामले के अंदर ये भी एक हमारे देश के लिए बर्डन बनता जा रहा है, इसको एक आम समस्या ना समझें, इसको गंभीर समस्या समझें। मैं लोकमत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरीके की जानकारी इन समय पर देते हैं, इससे हमारी पब्लिक जागरूक होती है। इसका इलाज हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? शादी से पहले अगर हम दोनों व्यक्ति, स्त्री का भी और पुरुष का भी, अगर हम उसका जेनेटिकल अब्लेशन कराएँ या विश्लेषण कराएं तो उससे यह बीमारी पता लग जाती है कि हमें इस कपल को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस बीमारी का अगर बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तब भी आज टेक्निक आ गई है, इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। परंतु मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी विवाह से पहले ये जान लेना अच्छी बात है कि किसी भी दोनों में से किसी को इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो कृपया शादी ना करें और वो दूसरे ही व्यक्ति से करें, जिससे के कारण कि ये बीमारी आगे बच्चों में ना फैल सके और बच्चों में ना आ सके। मतलब सर इसका वैसे कोई इलाज नहीं है? इलाज नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बस वही चीज है।
थोड़ी बच्चों जेनेटिक बीमारी बचपन से ही होती है, बचपन से ही होती है। खर्चा खर्चा बता दीजिए सर, खर्चा और हॉस्पिटल्स बता दीजिए कुछ। यह बीमारी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उस बच्चे को समय समय पे रक्त देना पड़ता है, और रक्त के लिए आज रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वन पार्लियामेंट रोड पे है, और वहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ऐसे बच्चों के लिए भी दिया जाता है। अभी आज की तारीख में बहुत सारे अस्पतालों के अंदर भी थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स भी बना दी गई है, कस्तूरबा अस्पताल के अंदर भी है, स्वामी दयानंद अस्पताल में भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी है, और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी इस तरीके की सुविधा उपलब्ध है। अब बात आती है कि जो कि 80-90% इसका इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अब बहुत सारे अस्पतालों में होने लगा है, अपोलो में भी होता है, बॉम्बे के अंदर कई अस्पतालों में होता है इस तरीके का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर भी, और जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो कि बच्चे की एक जान बचाने के लिए बहुत सहायक होता है। प्राइवेट के अंदर भी इसका इलाज होता है, पर उसके अंदर खर्चा आज की तारीख में 3 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपये तक आता है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर डोनर उसके पास है, तो वो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकता है।